रक्त बहादेवरी, जितना तेरा खून बहेगा उतना तू ताकतवर बनेगा। देख कैसे काला होता जा रहा है तेरा लहू, इसका मतलब है कि असुरी शक्तियां तेरे मदद को तैयार है। क्या हुआ डॉक्टर, क्या हुआ नैना को? इसकी तबीयत क्यों बिगड़ रही है, इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। क्या बोल रहे डॉक्टर, अगर नैना वॉमिट करी तो कोई ना कोई रीजन तो होगा ना, आप ठीक से चेक कीजिए। ठीक है, मैं दो बार चेक कर चुका हूँ उसे। तुम्हारा कसूर नहीं है डॉक्टर, दुनिया में कुछ बातें होती हैं जो विज्ञान की समझ से परे होती हैं, पर हम ये बातें जरूर समझ सकते हैं। मैं चलता हूँ डॉक्टर। ये डॉक्टर बुलाने से कुछ नहीं होगा, शैतानी ताकतें लगातार तेरी इस बच्ची पर हमला कर रही है, लेकिन तू इसकी मां होने के बावजूद भी हमारी बात समझ नहीं रही है। अगर तू अपनी बच्ची की जान बचाना चाहती है तो तब के लिए मान जा, पर मैं बहुत जल्द तेरी ये बच्ची मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। याद रखना, अपना मुंह बंद रखिए, कुछ नहीं होगा हमारी नैना को। संभाल के रख अपनी ये चीखें, बच्ची की अर्थी पे काम आएंगे। सबसे पहले उस कलश पे रखे घी से काली को नहलाना होगा। उसके उपरांत काली तुम्हें 11 कदम इन धधकते हुए अंगारों पर चलते हुए उस घेरे तक जाना पड़ेगा। जिसके बीचों बीच बच्ची का पिता यानी कि युग नैना को गोद में लिए खड़ा होगा। तुम्हें वहां तक चलते हुए जाना है और नैना को अपनी गोद में लेना है, लेकिन इस विधि के दौरान युग उस घेरे से बाहर नहीं निकल सकता, और यदि वो बाहर निकला तो इस बच्ची का खतरा और बढ़ जाएगा। बताओ क्या तुम ये कर पाओगी? हाँ। हम कर पाएंगे। नंदू की दुल्हनिया ऐसा नहीं करेगी, नंदू तुमको ऐसा नहीं करने देगा। ये देखो कितना खतरा है इसमें, जल जला गई तो। एक्चुअली कली इसमें खतरा तो थोड़ा है, सच में खतरा तो बहुत है, काली से तो ये करवाना ही होगा। युग, आपने कन्विंस किया था ना काली को ये तप करने के लिए, अब आप ही पीछे हट रहे हो। युग, आपको नैना की जरा सी भी परवाह नहीं है,
परवाह है गौरी, पर इसमें रिस्क बहुत है। कली को कुछ भी हो सकता है। युग, हम तैयार हैं। देखा देखा तूने, देवरी ने अग्नि को वश में कर लिया, अग्नि को वश में कर लिया, अग्नि को। क्या हो गया देवरी? अग्नि पूछ कैसे गई? ऐसा कैसे हो सकता है? असंभव है, असंभव। मंजीमा बस दुख रहा है। मंजीमा, सॉरी, क्या सोच रही हैं आप? करी, जो भी आज हुआ, हम उसके बारे में सोच रहे थे। कहीं नैना उन बुरी शक्तियों की वजह से तो। मंजीमा, नैना की बस तबीयत खराब हुई थी, अब वो ठीक हो गई और कुछ नहीं है। करी, लेकिन वो पूजा के पहले क्यों नहीं ठीक हुई, पूजा के बाद क्यों हुई? मंजीमा, वो इसलिए क्योंकि दवाई की 6 डोजेस थी, उसमें से 5 डोजेस हमने दे दी थी और 6 डोज हमने पूजा के पहले दी, जो असर दिखा गई और इसलिए नैना ठीक हो गई। काली का शिकार करना है, सही है। मंजीमा, मंजीमा आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? बस करी, नींद नहीं आ रही थी इसलिए राम जी से कुछ बातें करने यहाँ आ गए। मंजीमा, परेशान मत होइए। देखिए, हमने राम जी के नाम का दिया जलाया, हमारे राम जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे।
चलिए चलकर सो जाइए, बहुत रात हो गई। आइए। क्या हुआ कली? इस घर में सिर्फ इसलिए हो क्योंकि नैना को जन्म दिया है तुमने। मेरी पत्नी कली थी, कली है और कली ही रहेगी। नहीं, हमारी शादी की बुनियाद भी तो झूठ और धोखे पर नहीं थी ना, तो फिर किसी और के झूठ बोलने से, किसी और के धोखा देने से हिल कैसे गई? जवाब दीजिए, जवाब नहीं है ना आपके पास? इसलिए बेहतर यही है, तकदीर ने जो हम सबके लिए फैसले लिए हम उसी पर कायम रहे। कह रहा है देवरी, मेरे सवाल का जवाब मिल गया ना तुझे? कुछ बोल गए नहीं रे भैया? भैया नंदू, जा जाके पानी पी के मुंह धो के आ, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है भैया, अब अभी याद है। मिल गया हमें जवाब, वो शक्ति जिसने हमें धकेला था वो भक्ति की शक्ति नहीं थी, सच्चाई की शक्ति नहीं थी, वो शक्ति काली के सतीत्व की थी। वो सतीत्व जो सीता में था, जिसके कारण उसने एक तुच्छ सा कुशा रावण के सामने रखकर उसे अपने पास आने से रोका था, लेकिन इस सब के बाद भी काली के मन में कभी किसी पराए मर्द का ख्याल तक नहीं आया। ये है काली का सतीत्व और इसी सतीत्व को हमें भंग करना है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। इसीलिए हमें एक साफ मन का इंसान चाहिए जिसे हम मोहरा बनाकर काली का सतीत्व भंग कर सके। जैसे नंदू,
कोई जनजात निशान, कुछ भी ऐसी चीज जिससे कि वो पहचान में आ सके। हाँ, एक चीज थी, नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अष्ट धातु का एक कड़ा उसके दाएं पांव में हमेशा रहता था। इसके अलावा अब उसकी और कोई निशानी तो हमें याद नहीं है बेटा। अब रखते हैं, हम पूजा का समय हो रहा है जी। मंसीमा, क्या हुआ? हे राम जी, ये कैसे हुआ? गली, वो हम अंदर गए थे ना, हमें ऐसा एहसास हुआ जैसे हमारे साथ कोई है। हमने मुड़के भी देखा लेकिन कोई नहीं था वहां पे। हमें एहसास हो रहा था गली, एहसास हो रहा था जैसे कोई है जो हमें देख रहा है। मंसीमा, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप आराम कीजिए। कल रात आप सो ही नहीं थे ना, इसलिए आपको ठीक से नींद नहीं मिली होगी। मंसीमा, प्लीज हमारी मदद कीजिए, मंसीमा खतरे में, कुछ बहुत गलत हो रहा है।
क्या सोच रहे हो गली? सोच नहीं रहे मंशीमा, बल्कि अब हम एक निर्णय पर पहुंच रहे हैं। कैसा निर्णय? हमें यकीन हो गया है मंशीमा, इन सारी हरकतों के पीछे वो देवरी जी हैं। आपको यकीन है? हाँ मंशीमा, हमें पूरा यकीन है। इंसान के भेष में खूंखार भेड़िया है वो हम सबको दिखा रहा है कि वो हमें शैतानी ताकतों से बचा रहा है, पर उस बहाने वो शैतान की पूजा भी कर रहा है। हाँ मंशीमा, हो सकता है। हो नहीं सकता है मंशीमा, ऐसा ही है। आप याद करने की कोशिश कीजिए, हमारे घर में सारी काली कारस्तानियां तब से शुरू हुई है जब से वो घर में आए। आप समझ रही है? मेघ देव प्रसन्न हो, प्रसी प्रसी मेघ देव, प्रसी प्रसी मेघ देव। हे राम जी, ये आदमी तो पानी को अपने वश में कर सकता है। फिर शुरू होता वो दर्दनाक दौर जिसमें ये मेटल लिचर्स और इस मेटल लिचर्स इसके शरीर को छीला जाता, जैसे लकड़ी को छीलते हैं बिल्कुल वैसे। हे राम जी, इसका मतलब देवरी जी बड़के पापा के काला टीका है। मंशीमा, ये वही निशान है जो हमने देवरी जी के पीठ पर देखे थे, वही निशान है ये। तुम्हें यकीन है कि ये वही निशान है? तो फिर झा बाबू का काला टीका यही है। क्योंकि ये निशान अपने आप में अनोखा है, सामुद्रिक विश्लेषण के बाद बनाया गया है।
इसीलिए हमें अभी तक याद है। आप लोगों की खोज पूरी हुई। कौन है वहां? इनके यहां होने से अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। झा बाबू के काला टीका के बारे में इन्हें सब कुछ मालूम है। बताइए पुरोहित जी। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं जानते। झूठ बोलने की कोशिश भी मत कीजिएगा पुरोहित जी, क्योंकि आपको पुलिस के हवाले करने से पहले हम एक बार नहीं सोचेंगे और ये आप अच्छे से जानते हैं। नहीं नहीं मंजरी बहू, ऐसा मत करना।